हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखते रहिए, क्योंकि बहुत सी टिक्स ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हो सकता है कि कुछ टिक्स आप जानते भी हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली टेक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी अकाउंट की, वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, किसी भी अकाउंट की जो प्रोफाइल पिक है वो कैसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्रोफाइल पिक ओपन कर रहा हूँ, लेकिन ये ओपन नहीं हो रही क्योंकि इंस्टाग्राम ने ये फीचर अलाउ नहीं कर रखा। आप इसे जूम करके बड़ी पिक में देख सकते हैं किसी भी अकाउंट की डीपी को। तो कैसे देख सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको जिस अकाउंट देखनी है डीपी, उसका जो यूआरएल है वो कॉपी कर लेना। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी प्रोफाइल यूआरएल, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस पर ओपन करने के बाद यहाँ वही यूआरएल पेस्ट कर देना। तो चलिए मैं पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, पेस्ट करने के बाद हम लोगों को यूआरएल में चेंज करना। दोस्तों, यूआरएल में क्या चेंज करना मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आपको यहाँ पर www.instagram.com दिख रहा होगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम के आगे आपको जीरो लगा देना है। www.0instagram.com आपको यहाँ पर कर देना। तो चलिए मैं इसे चेंज कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे चेंज करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई वेबसाइट ओपन हो गई है जो है जीरो इंस्टाग्राम। अब आप सिंपली यहाँ पर इस प्रोफाइल पिक पर टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी एकदम बड़ी साइज में, और बहुत ही अच्छे से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, यही ट्रिक थी जिससे आप प्रोफाइल पिक किसी भी अकाउंट की देख सकते हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, किसी भी अकाउंट को। तो चलिए बात कर लेते हैं और ट्रिक्स की। दोस्तों, और जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा ऑनलाइन रहते होंगे, लेकिन ऑनलाइन को आप हाइड करना नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, आपको ऊपर जो थ्री डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक्टिविटी स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। एक्टिविटी स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है। इससे आप जो ऑनलाइन है वो नहीं दिखेंगे, और अगर आप ऑनलाइन होंगे भी तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं, जैसा कि फेसबुक में होता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तीसरे टिक की। आप अगर स्टोरी ज़्यादा शेयर करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोग स्टोरी शेयर करते टाइम क्या कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोस्तों हम लोग इस टाइप की कोई भी पिक ले लेते हैं जिससे एक इमेज आ जाती है दोस्तों, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों को एक ब्लैंक इमेज लेने के लिए किसी भी टाइप के आपको पिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और ऊपर एडिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने में आप जिस कलर पर टैप करेंगे वो कलर चूज करना है। और फिर जैसे मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेड सिलेक्ट करने का दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी देर प्रेस किए रहना, देखिए आप पूरा रेड हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी काम की टेक थी जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। दोस्तों, जो फोर्थ टेक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको जो डेटा है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता होगा। इसे बंद करने के आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेलुलर डेटा यूज, यहाँ पर यूज लेस डेटा का ऑप्शन है, यहाँ पर इसे ऑन कर देंगे आप तो आपका जो डेटा है वो लेस कम यूज होगा। तो यही थी दोस्तों इंस्टाग्राम की कुछ टिक्स। अगर आपको एक भी टिक पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जो बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।